नमस्कार, मुझे मिश्र के साथ आप देख रहे हैं अच्छी न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। कल्याण के नवरंग सोसाइटी में अज्ञात चोरों ने आतंक मचा रखा है। नवरंग बिल्डिंग के रहने वाले लोगों ने बताया कि बीते एक से दो साल में नवरंग सोसाइटी में कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल तो कभी अन्य वस्तुओं की चोरी होती रहती है। हाल ही में कुछ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े सोसाइटी का पानी मोटर और लाइट मीटर चुरा लिया है। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद भी हुई है। इसी मामले में सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि इस परिसर में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खड़कपाड़ा पुलिस को अर्जी लिखकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने से और रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। पेट्रोलिंग से चोरी की वारदातों को रोका जा सकता है। पिछले दो तीन दिन में एक चोरी हुआ है। दिन दहाड़े 2:15 बजे के आसपास एक आदमी मुंह पे मास्क लगा के दो मोटर उठा के लेके जा रहे हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाल के पुलिस चौकी में दिया है और साथ में कंप्लेन भी किया है। और इधर पहले पुलिस पेट्रोलिंग हो रहा था तो तभी शांति थी, तभी कुछ होता नहीं था। अभी लास्ट दो साल से पेट्रोलिंग बंद हुआ है तो इस तरह की घटना अभी लगभग बढ़ती ही जा रही है। और ये कम से कम दो के पहले और चार मोटर और चोरी हुआ है और मोटर के साथ में मीटर भी उठा के लेके जा रहे हैं। आपकी क्या मांग रही है? हमारी मांग ये है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसके ऊपर सख्त एक्शन ले। मीटर खाली बसवलं होतं मोटर आणि त्या मोटरद्वारे आम्ही सोसायटीला पाणी सप्लाय करतो, तर त्याचे 1 इंच आणि 1.5 इंच असे 2 मीटर चोरीला गेले व त्याच्याबरोबर त्यांनी मोटरही नेली जी आपल्याला वरती पाणी चढवतात ती। आणि त्याच्यानंतर आम्ही भरपूर प्रयत्न केला, मग शेवटी कुठेच भेटले नाही। आणि ह्याआधी कधी चोरी झाली नाही, कारण की यावेळी पेट्रोलिंग व्हायची। आता जवळजवळ 1.5-2 वर्ष झाले ते काही कोण दिसतच नाही आणि पेट्रोलिंगही होत नाही। दुकान चालवतो, मेरे दुकान में तीसरा राउंड है ये चोरी हुआ है। 2 साल के अंदर तीसरा राउंड चोरी हुआ। कंप्लेन लिखने भी गया, लिखवाने गया तो वहाँ पे खाली एड्रेस लिख लिया और हवलदार आके गया। 2 बार वही हवलदार आया और देख के गए, बोले ठीक है हम देखेंगे। बोलते भंगार वालों का काम है, भंगार वालों ने चुराया हुआ और कोई कंप्लेन नहीं, अभी तक कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। तो ये थी आज की खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।